जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे 492 वर्ष के बाद आज अयोध्या में भूमि पूजन हुआ, तो उस पर हम मेयर अमनीत कौर से बातचीत करना चाहेंगे। जिस तरह से पूरे देश में आज इतनी खुशियां जो है, खुशियों का माहौल व्याप्त है, उस तरह से पानीपत जिले में किस तरह की खुशियां हमारे आप शेयर करना चाहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, जिस तरह से पूरे देश में जो है आज खुशियों का माहौल व्याप्त है, भूमि पूजन हुआ है अयोध्या में, तो आपका किस पर क्या कहना है मैम, किस तरह से हमारे पानीपत में जो है खुशियों का जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं पानीपत वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि हम सबका सपना जो है वो आज पूरा होने जा रहा है। और अभी मैंने दो दिन पहले ही सुना था, कहीं पढ़ा था, मोदी जी ने कहा था कि वो 29 साल पहले अयोध्या गए थे और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर दोबारा चरण तभी रखूँगा जब यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होगा। तो आज उनकी जो तपस्या थी, जो उन्होंने वनवास इतने सालों का था उन्होंने जो काटा, वो आज उनका पूरा हुआ। और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई कि उनके इतने एफर्ट्स की वजह से आज वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लाखों करोड़ों लोगों का जो सपना है आज मोदी जी पूरा करने जा रहे हैं। ये प्रभु श्री राम जी की कृपा है उनके ऊपर, जो आज उनके नेतृत्व में ही ये काम हो रहा है। और उन्हीं को ही देखते हुए आज हमने पानीपत में भी कुछ ऐसा करने की सोची है कि यहाँ के पानीपत वासियों को भी लगे कि हम यहीं बैठे बैठे अयोध्या के दर्शन कर सकते हैं। तो आज हिमांशु जी और उनकी पूरी टीम द्वारा जो है 501 किलो लड्डू जो है बांटे जा रहे हैं पूरे पानीपत के अंदर, जहाँ जहाँ तक वो पहुँच सकेंगे, और ताकि हर आदमी के जुबान पर भगवान श्री राम जी का नाम हो और सब भगवान श्री राम जी को जो है उनका नाम जपें। और मैं यही कहूँगी कि ये आज का दिन जो है ये बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही खुशी वाला दिन है कि हमारे जीवन में ये हमें दिन देखने को मिला है। और आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। मैम, जिस तरह से आज माना जा रहा है कि दिवाली का ये पर्व माना जा रहा है, जिस तरह से आज राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ है, तो शाम की क्या प्रक्रिया रहने वाली है मैम, शाम के टाइम जो है दीप वगैरह जलाने की क्या? जी बिल्कुल, यही पूरी टीम जो है यहाँ पर इसी जगह पर आज 1008 दिए जलाएंगे और अपनी अपनी खुशी प्रकट करेंगे, भगवान श्री राम जी को याद करेंगे और उनकी लीला में मगन होंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत खुशी की बात है और हम उस खुशी का हिस्सा बन रहे हैं। मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली कहूँगी कि मैं इस खुशी का हिस्सा बन रही हूँ। और हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये लिखा है कि सब एक हैं और हम सब एक हैं। और हमारी वाणी में भी 2500 बार श्री राम जी का जो है वर्णन किया गया है और 866 बार हर हरि का नाम लिया गया है, भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लिया गया है, क्योंकि हम सब एक हैं। और मैं यही कहूँगी कि हम सब ने एक होकर आज इस दिन को मनाना है और दीपावली की तरह इसको सेलिब्रेट करना है। जैसे आपने बताया कि 1008 दीवे आज जलाए जाएंगे, तो वह इसी स्थान पर जलाए जाएंगे? जी बिल्कुल, आज इसी स्थान पर, अभी इसके बाद ही यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी और शाम को 7 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब यहाँ पर 1008 दिए जलाए जाएंगे। धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा कि मेयर अमनीत कौर ने हमें जानकारी दी कि यहाँ पे शाम के वक्त इसी स्थान पर 1008 दिए भी जलाए जाएंगे, और आपने देखा कि इस पर्व को एक पर्व की तरह आज भूमि पूजन को जो है मनाया जा रहा है अयोध्या में, तो आपने देखा कि लोग किस तरह से मिठाइयाँ बांट कर इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। आज का दिन जो है पानीपत जिले में एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। सहयोगी प्रिया शांडिल्य के साथ मैं वंदना कादियान, सिटी तहलका, पानीपत।